हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखे और अपने पर्सन के बारे में सोचे। तो चलिए आज सुबह की एनर्जी देखती हूँ आपके पार्टनर की, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स और उनका मैसेज आपके लिए। जस्ट गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ओला के दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। आई विल लव यू फॉर एवर। कास्ट इश्यू, प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ओला के दिव्य शक्ति गाइड करें। आई लव यू, बिलीव मी, मिस यू, आई मिस यू। चलिए देखती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और आगे दिव्य शक्ति गाइड करें। इतना मुझे से Be strong. You complete me. You are the sources of my happiness. Blessings, charity, love, karma, forgiveness, ego, parents issue, वेटिंग एनर्जी, फियर, कर्मा। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं वो है चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लव, कर्मा और कर्मा। देखिए डियर, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप कर्मा फेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि दो दो कार्ड्स आ चुके हैं लॉ ऑफ कर्मा। देखिए अगर जिसने जैसे कर्म करना है वैसे रिजल्ट मिलना है, तो यहाँ पे चैरिटी करना इम्पॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स, चैरिटी कीजिए, करेंगे आप सब तो ब्लेसिंग्स आएगी। लॉ ऑफ कर्मा यानी कि जिसने भी जो जैसा किया है उसको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, ठीक है। जिनकी जैसे कर्मास हैं उनको वैसा रिजल्ट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कर्मा, कुछ व्यूअर्स ऐसा नहीं, कर्मा आप भी फेस कर रहे हो, कर्मा आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्मा सिर्फ वही फेस करते हैं, नहीं, कर्मा आप भी फेस करते हो, ठीक है। या मुझे लगता है कि आपके मन में किसी प्रकार का भय है, डर है कुछ व्यूअर्स, क्योंकि कर्मा अगर फेस कर रहे हो तो आपके मन में बहुत प्रकार का भय, डर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं, पहले तो लव बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड है, फॉर एवर भी है, ये कहना चाहते हैं। बट ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप उनको, कुछ व्यूअर्स की बात करें, सब व्यूअर्स की बात नहीं करें, कुछ व्यूअर्स आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, अपने तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है इनके ईगो की वजह से अब आपने आपको कंट्रोल किया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन, रिग्रेट, पछतावा, ऑन ऑफ सिचुएशन, कंफ्यूजन, कोई जस्टिस नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो कुछ व्यूअर्स अब यहाँ आप थक चुके हो, मींस कि अब आप कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स तो चाहते हो लेकिन मन में एक आपके अंदर डर और फियर भी आ चुका है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। बट यहाँ पे किसी ने अपने आप को कंट्रोल किया है। यहाँ आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं और यहाँ पे आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि वो आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं।
और देखिए लाइफ की जो खुशियाँ उनकी जुड़ी हुई हैं, जो भी खुशी हैं इनके लाइफ में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि कुछ इशू जो आ रही है इनके लाइफ में वो हैं कास्ट इशू, पेरेंट्स इशू, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि ईगो आया, ईगो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अभी भी ईगो से डील कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो, उन्हें मौका नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के मन में डर भी है कि ईगो की वजह से मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शायद आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। कहने का मतलब कि इनके लाइफ में क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट वाली एनर्जी है, पछतावा है, ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, और इन्हें माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये अभी कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, चाहे पेरेंट्स इशू आ रहा है, कास्ट इशू है, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी इनके मन में डर है, आपको उन पर विश्वास करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स भी है, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वेट क्यों करना पड़ेगा, इनको पेरेंट्स को मनाना है, ब्लॉकेज को हील करना है, लेकिन वो कह रहे हैं यू कंप्लीट मी, आपको उन्हें समझना चाहिए, वो वैसा कह रहे हैं, है ना। तो कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आप भी अपने कर्मा को रिलीज करें, अगर ब्लॉकेज कुछ आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ब्लॉकेज तो कभी कभी दोनों ही के तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि हम पार्टनर को ही सिर्फ प्रॉब्लम्स और उनको उन पर फाइट और गुस्सा करें, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी भी है, ब्लेसिंग्स भी है, लॉ कर्मा भी है, कर्मा भी है, मतलब यहाँ ये कहा जाता है बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है, उन्हें अट्रैक्ट कीजिए, और लॉ ऑफ कर्मा, आपने जैसा भी किया है अपने लाइफ में, जो कुछ भी किया है, आप ही आपके पर्सन हो, उसके अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलेगा और ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। लेकिन अगर व्यूअर्स आपके मन में किसी प्रकार का डर है, फियर है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर अभी भी और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन में कुछ व्यूअर्स इस वक्त आपके पर्सन में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ ईगो से भी डील कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन ये कहना भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, वो मिस ज़रूर कर रहे हैं आपको, लेकिन शायद आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि इनके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहिए, सब कुछ समय आने पर ठीक होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आप उन्हें अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहे हो, क्योंकि आई लव यू बिलीव मी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, इस बात का थोड़ा उनको फियर भी है, डर भी है, नो डाउट, कि देखिए वो इंसान प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा, प्रॉपर आपको आगे फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता रहा, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन उनके मन में भी फियर है, इसलिए वेटिंग एनर्जी है। अगर मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है तो ये लगे हुए हैं, कहने का मतलब ये लगे हुए हैं, और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर चाह रहे हैं, ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाह रहे हैं, ये कहना भी चाह रहे हैं कि आपको मनाना भी चाह रहे हैं कि आपसे ही उनके लाइफ में खुशियाँ हैं, और तो ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार लाइफ में हर इंसान को कर्मा भी देखना है, ब्लॉकेज भी देखना है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है, सिर्फ फाइट करने से, ईगो से डील करने से कुछ भी नहीं होता, है ना, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा विश्वास भी रखना पड़ता है, है ना। जस्ट प्लीज गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, ठीक है। ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं
ये भी लड़ते हैं, फाइट करते हैं सिचुएशन से, पेरेंट्स से, अपने आप से, आपसे भी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, सुबह सुबह एनर्जी है, कम से कम यू आर द सोर्सेस ऑफ माय हैप्पीनेस की एनर्जी आई है। बट मैरिज कमिटमेंट को लेकर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग चैरिटी करें, ब्लेसिंग्स आएगी, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंजल्स गाइड करें न्यू बिगनिंग। मिस तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कर्मा बहुत बड़ी बात है, कर्मा यहाँ इम्पोर्टेंट आया है। आप दोनों की हो सकती है इस वक्त हीलिंग चल रही है, प्यार है बट सो नहीं करते हैं, फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इन्हें क्या फील होता है, पछतावे की आग में जलते हैं, एंजाइटी होती है, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और मुझे लग रहा है व्यूअर्स काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली भी देखते हैं, या फिर उनकी अगर फैमिली है तो आप उनकी सोलमेट हो। लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ कर्मा इम्पॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि अभी भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। देखिए, देखा जाए तो प्रोसेस तो हो रहा है आपके पार्टनर की हीलिंग की, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, कन्फ्यूज्ड हैं लेकिन वो दुखी हैं, ठीक है। प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली में कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ परेशानियां आ रहा है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। देखिए, हो सकता है यहाँ कुछ व्यूअर्स आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, कुछ व्यूअर्स आप सोलमेट भी हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट मैरिज की बात भी हो रही है, जिसके लिए ये वेटिंग एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपको न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करें। इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में सिचुएशन जो है, इस वक्त वो कर्मा से डील कर रहे हैं, बट आपको ये मिस कर रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं वो आपसे टेलीपैथी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने इनको समझा है, प्यार किया है, रिस्पेक्ट किया है, इस रिश्ते में आपने 100% दिया है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट ये सो तो ऐसे कर रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ, बट कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ऊपर का दिखावा है, बाकी सब अंदर से खोखला है, ठीक है। यहाँ पे आप या आपके पर्सन सोशल मीडिया पे मिले हो, या वर्क प्लेस पे मिले हो, या फिर मैरिज हुई है, या फिर आपके ये सोलमेट हैं, ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड हैं इस वक्त। लेकिन अगर देखा जाए, कुछ व्यूअर्स आपकी फैमिली है तो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं तो सच में ये आपके साथ फैमिली भी देखते हैं और आपके साथ आगे भी जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है ये बातचीत ना करें और चाह भी रहे रीयूनियन, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जो दिया है उन बातों को याद कर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, चाहे या ना चाहे, आप बोले या ना बोले, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल हैं, और यहाँ पे आपको इस रिश्ते को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो कर्मा कह रहा है कि जैसा आपने किया है, जैसा उन्होंने किया, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है और बहुत सारे व्यूअर्स आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप चैरिटी कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ व्यूअर्स मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है, तो चलिए देखती हूँ बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फैमिली आपके साथ है, वो भी देख रहे हैं,
लेकिन शायद व्यूअर्स आप मान नहीं रहे हो गले में तो सत्यश्वरूपाय नमः श्री साई देवाय नमः। देखिए विपुलता, जल्दी आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। बाबा आपको क्या कह रहे हैं, ग्रहण मैंने जो बोला आपको कि जैसे आप कर्म करते हो, अब जैसे कि बाबा ने ये प्लांट बोया आप देख रहे हो, तो इसमें पहले बीज बोया, ठीक है, फिर प्लांट जो भी पौधा हुआ उसमें फ्लावर भी आए, तो जो फ्लावर आया है तो उसको भी तो टाइम लगा है ना, तो बाबा ने इन्हें सींचा है, पानी दिया है, तो ये भी एक कर्मा ही है। तो जैसा बाबा ने यहाँ पे अपना कार्य किया, पानी से सींचा पेड़ पौधे का, और उसके बाद बहुत सारे फ्लावर आए, उसी प्रकार ये भी कर्मा है। जैसा आप रिजल्ट मांगते हो उसके ऊपर काम करना होगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जल्द ही आपके तरफ आपको जो भी आप चाह रहे हो वो आप बहुत जल्द उपहार ग्रहण भी करने वाले हो। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है बाबू, तो रिजल्ट तो आपको मिलना है, क्योंकि कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, आपका कई जन्म भी हुआ है बाबू, हर इंसान को, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको कर्मा फिक्स नहीं करना पड़ता है, तो कर्मा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो देखिए एंजाइटी डिप्रेशन ओवरथिंकिंग ब्लॉकेज आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को बदलते हो, खुद को अच्छे कार्य में लगाते हो, पेड़ पौधे बोना, लोगों की मदद करना, अपने लिए भी कुछ करना, मतलब अपने खुद को बदलने के लिए लोगों की मदद भी करनी चाहिए। तो चैरिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है आजकल वीडियो में, आप ध्यान दीजिएगा, चैरिटी आ रहा है, ब्लैसिंग्स आ रहा है, लॉ ऑफ कर्मा आ रहा है, तो कर्मा से रिलेटेड ही ब्लैसिंग्स भी आती है। आप अच्छे कर्म करोगे रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो व्यूअर्स आपको बहुत जल्द, अगर आपके पार्टनर भी कह रहे हैं मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, या हस्बैंड वाइफ हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप खुद को बदले, विश्वास करें और अच्छे कर्म, अच्छे विश्वास करें, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर हो, उनको ब्लेम किसी तरह से ना करें, क्योंकि गॉड ने अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जोड़ा है इस जन्म में, तो पिछले जन्मों का कर्म बंधन जो भी है उन्हें रिलीज करना है ना, तो उसे रिलीज कीजिए और पॉजिटिव रहिए और एक अच्छे इंसान आपको बनना है ना। बाबा का कहना क्या है कि आपको जल्द ही कोई उपहार मिलने वाला, जिस चीज़ को चाहते, जिस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हो वो बाबा कह रहे हैं आपको मिलने वाला है। तो यानी कि बहुत सारे व्यूवर्स, आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स आपको, आपके तरफ अब ब्लेसिंग्स आ रही है, बाबा भी यही कह रहे हैं। तो चलिए बाबा की एनर्जी एक कार्ड और लेती हूँ, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सबके लिए, हम सबके लिए है। क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए। बाबा जी एक कार्ड और लेके आएंगे, गाइडेंस। देखिए शिव और शक्ति, अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रहा है, किसी के थॉट्स आ रहे हैं, किसी पे आप गुस्सा कर रहे हो, तो उसे क्या करना है, जैसे किसी का दिमाग में थर्ड पार्टी आ रही है, कोई आपके पार्टनर आपका दिल दुखा रहे हैं, तो उनको रिलीज कीजिए। अब रिलीज कैसे करना है, कट क्लियर कैंसिल, दिमाग में लाइए कट क्लियर कैंसिल, उस इंसान को वहाँ जगह ही नहीं दीजिए, क्योंकि देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी क्या है कि आप दिल से किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ माफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, माफ़ कीजिए और कट क्लियर कैंसिल कीजिए और अपनी अपनी परेशानियों को, चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए और कट क्लियर कैंसिल कीजिए। शिव शक्ति, देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, तो ये जो आप शिव और शक्ति देख रहे हो, तो ये आपके अंदर है, ठीक है, ये शिव और शक्ति आपके अंदर है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी। जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो, तो खुद के अंदर ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। तो ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जो कहती है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके भीतर ही मर्दाना तथा स्त्री
ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। कहने का मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो तो शिव और शक्ति को बैलेंस करते हो, यानी यिंग और यंग को बैलेंस करते हो, जिससे आपके अंदर वो शक्ति आती है जो आपके पार्टनर में मैस्कुलाइन एनर्जी और आपने फेमिनाइन एनर्जी है 6 और 9, उसको आप बैलेंस करते हो। ठीक है, जब बैलेंस करते हो, जब देखिएगा 6 9 तो बैलेंस करना है, जब 6 9 और 9 6 देखते हो तो समझ जाना कि आपके अंदर मैस्कुलाइन पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिए, आपके अंदर ही सारा कुछ है। निगेटिविटी को लेट गो कीजिए, बहुत जल्द आपको आपकी खुशियों का उपहार मिलने वाला है। बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिए, जिंदगी है तो जिंदगी, हर जिंदगी कर्मा से डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो आप चाहोगे वो आपको मिल सकता है, बट निगेटिविटी को कट क्लियर कैंसिल, सींचिए खुद को, पेड़ पौधे को, अपने आप को। जितना आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगी। और अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए शिव और शक्ति को, फिर देखिए कि कैसे मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। तो हर चीज़, हर इंसान की ज़िंदगी अपने कर्म पे होती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि इंसानी है, लेकिन इंसानी है जो खुद को बदल भी सकते हैं, है ना। ये क्या है, दिव्य शक्ति है, ये क्या है, ये एनर्जी है, ये क्या है, पवित्र कार्ड्स है, जो गॉड की तरफ से ये एनर्जी आती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रूथ और ये सच्चाई है, अब बिलीव करें या ना करें ये बहुत लोग की नहीं होती, लेकिन वो सच्चाई आप लोग अट्रैक्ट करते हुए, इतना याद रखिएगा। तो जितना आप क्लेम विश्वास करेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतनी जल्दी आपके लाइफ में सफलता आएगी। तो बाबा का संदेश का पालन करें, देखिए चाहते बहुत कुछ है, बट ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ मिलना चाह रहे हैं, बस उन्हें माफ़ कीजिए। और जिस दिन आप शिव शक्ति को बैलेंस करेंगे, उस दिन आप माफ़ी की एनर्जी में आएंगे। और कट क्लियर कैंसिल जरूर करें, जब भी आप निगेटिविटी किसी के थॉट्स ला रहे हो उसको कट क्लियर कैंसिल करें। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, और बाबा आपको, आपकी तरफ आपको उपहार दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्लेम कीजिए, और जो आपको गाइडेंस मिलती है उसको रिसीव कीजिए। ये मैं नहीं, बाबा, यूनिवर्स और वो देते हैं, हम सब तो एक माध्यम है, है ना। तो चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। आपके पार्टनर का मैसेज आपने देखा, लेकिन खुद को भी हम बदलेंगे, खुद को भी जानेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कुछ खास हैं और खास कर दिखाएंगे, खास करने हैं, ऐसा सोचेंगे तो आपका शिव शक्ति यूं ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत व्यूअर्स आपके तरफ खुशियां आ रही है, आपको अपने कर्म का रिजल्ट भी मिलने वाला है, लेकिन कर्म के बारे में जानिए, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कीजिए। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की और साईं बाबा का मैसेज आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस मी, थैंक यू।